Oh my God! Oh my God, it's real! Hello? Can you hear me? Oh, I'm nice too! No! Hello everyone! तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मेलिसा से बात करना चाहते हैं, लेकिन मेलिसा को पिछले कुछ दिनों का कुछ भी याद नहीं था और वो काफ़ी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। इस पर सभी लोग आपस में बातें करते हैं कि मेलिसा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है और क्योंकि वो हमेशा उसके पास गन रखती है तो ये बात बाकी लोगों के लिए सेफ नहीं है। इस पर टोड कहता है कि तो क्या वो मेलिसा को एक जगह पर बांध कर रखना चाहते हैं। इस पर लुइस कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तब एरिका सजेस्ट करती है कि वो मेलिसा को एक फोकस रूम में रखेंगे और उस रूम के बाहर से वो उस पर नज़र रखेंगे। टोड एरिका की इस बात से सहमत नहीं होता है और वो उनसे कहता है कि मेलिसा का ध्यान वो खुद ही रख लेगा और फिर वो मेलिसा के पास चला जाता है। इधर केरल गेल के वापस ना आने की वजह से दुखी होती है और वो कहती है कि गेल काफ़ी गैर जिम्मेदार है और वो उसकी मोम भी नहीं है क्योंकि गेल को केरल की परवाह नहीं है। ये सुनकर टैंडी केरल का मूड सही करने के लिए उसे हनीमून पर ले जाने की बात कहता है। इससे केरल का मूड भी फ्रेश हो जाएगा और वो शादी के बाद आज तक किसी हनीमून पर गए भी नहीं थे। इधर हम लिफ्ट में फंसी हुई गेल को देखते हैं जो कि लिफ्ट के बाहर एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को देखती है और उसे पाने की कोशिश करने लगती है। उस क्लीनर को अपनी तरफ लाने के लिए गेल उस लिफ्ट से बाहर गोल्डन के नकली बालों को रख कर उन्हें अपने हाथों से पकड़ती है और उस वैक्यूम क्लीनर के उसकी ओर आने का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ टोड मेलिसा को उसके रूम में सुला कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी मेलिसा उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर टोड कहता है कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और इसीलिए वो बाहर सोने जा रहा है और टोड मेलिसा के रूम के बाहर ही बैठ जाता है। और इधर केरल और टैंडी अपने हनीमून की ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। वो दोनों टैंडी की बस से जा रहे हैं और टैंडी हमेशा की तरह ही गाना गा रहा होता है, लेकिन केरल थोड़ी उदास होती है इसीलिए वो टैंडी से कहती है कि वो सोने जा रही है। और टैंडी कहता है कि जब केरल अगली सुबह उठेगी तब तक वो उनके डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होंगे। इधर अगली सुबह जब टोड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मेलिसा के रूम का दरवाजा खुला है और अंदर जाकर देखने पर टोड को पता चलता है कि मेलिसा फिर से कहीं चली गई है। इधर हम लुइस और एरिका को देखते हैं और लुइस प्लेन चलाना सीख रहा होता है। लुइस को प्लेन उड़ाना लगभग आ चुका है लेकिन लैंडिंग में उसे अभी भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि तभी वहां पर टोड आकर उनसे मेलिसा के बारे में पूछता है। इस पर एरिका कहती है कि क्या मेलिसा फिर से मिसिंग है। इस पर टोड कहता है कि अरे नहीं, वो पूरी तरह से ठीक है और बस इसी बिल्डिंग में कहीं पर है। और टोड शांत रहने का दिखावा करता हुआ वहां से भाग जाता है। इधर टैंडी केरल को सरप्राइज देने के लिए उसे एक जंगल में लाता है और वो केरल को एक कैंप साइट दिखाता है। टैंडी ने वो कैंप इस तरह से डिजाइन किया था जिस तरह से वो केरल से पहली बार मिला था, वैसा ही एक छोटा सा टेंट और उसके बाहर सूखे हुए कपड़े। और ये सब देखकर केरल को टैंडी का किया हुआ एफर्ट पसंद आता है और वो टैंडी को थैंक यू कहती है। इधर गेल का प्लान कामयाब होता है और वो वैक्यूम क्लीनर उसकी तरफ आ जाता है। फिर गेल एक नोट लिखती है जिस पर वो हेल्प के लिए कहती है और वो उस नोट को एक च्युइंगम की हेल्प से उस वैक्यूम क्लीनर पर चिपका देती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर ही वो नोट गिर जाता है। ये देखकर गेल काफी निराश होती है और वो गुस्से में उस वैक्यूम क्लीनर को गन से शूट कर देती है। फिर निराश गेल लिफ्ट में 2-3 फायरिंग करने लगती है जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम टैंडी और केरल को देखते हैं जो कि एक तालाब के पास बैठे होते हैं और केरल फिशिंग कर रही है कि तभी केरल एक कैट फिश को पकड़ती है और वो उसे पकड़कर एक बकेट में डाल देते हैं। उन्हें एक नया फैमिली मेंबर मिल गया है और केरल उस फिश का नाम गेल रखती है। इधर टोड पूरी बिल्डिंग में और बिल्डिंग के बाहर मेलिसा को ढूंढ रहा होता है और उसकी आवाज़ सुनकर लुइस और एरिका भी वहां पर आ जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि मेलिसा बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है और ये देखकर टोड के होश उड़ जाते हैं। टोड भागकर छत पर जाता है और मेलिसा से वहां से नीचे उतरने के लिए कहता है। इस पर मेलिसा वहीं पर खड़ी खड़ी कूदने लगती है और टोड उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ उसे नीचे आने के लिए रिक्वेस्ट करता है और फाइनली मेलिसा वहां से नीचे उतर जाती है। जब टोड उसे पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही थी, इस पर मेलिसा कहती है कि उसे नहीं पता। फिर टोड मेलिसा का ख्याल रखने के लिए और उसकी हिफाजत करने के लिए उसे फोकस रूम में रखने का फैसला करता है। वो मेलिसा को फोकस रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि उसके लिए अभी यही अच्छा है और वो उस रूम को लॉक कर देता है। और मेलिसा उस रूम के अंदर से टोड को चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और हम टोड को उसी रूम के बाहर दुखी बैठा हुआ देखते हैं। इधर केरल और टैंडी देखते हैं कि उनकी फिश गेल उस बकेट में से बाहर गिरी हुई है और अब वो हिल भी नहीं रही है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और जल्दी से गेल द फिश को बकेट में डालते हैं और अचानक थोड़ी देर बाद गेल द फिश फिर से जिंदा हो जाती है
और ये देखकर केरल और टैंडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दोनों घेल द फिश को उनके साथ वापस अपने घर ले आते हैं और उसे उनके छोटे से पूल में रखते हैं। दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं जो कि फाइनली प्लेन को उड़ाना सीख चुका है और वो एक बेहतरीन तरीके से प्लेन लैंड करने में भी सफल हो जाता है और ये देखकर एरिका और लुइस बहुत खुश होते हैं। इधर हम गेल को देखते हैं जो कि अब सारी उम्मीद खो चुकी है कि अब उसे कोई बचाने भी आने वाला है और तभी हम देखते हैं कि उसकी गन की सिर्फ एक गोली ही बची हुई है और एंड में हम देखते हैं कि गेल वो गन उठाती है और हमें गोली चलने की आवाज़ और गन की फ्लैश सुनाई और दिखाई देती है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम वो वक्त देखते हैं जब वायरस की शुरुआत हुई थी। हम पेमिला और उसके हस्बैंड बेंजामिन को देखते हैं जो कि एक ट्रस्ट चलाते हैं और उनकी ये ट्रस्ट डॉग्स की हेल्प करती है। हम पेमिला को देखते हैं जो कि एक ऑक्शन का होस्ट कर रही होती है और उस ऑक्शन में उन डॉग्स के बारे में लोगों को बता रही होती है जिन्हें उसकी ट्रस्ट ने रेस्क्यू किया। और जब पेमिला अपनी स्पीच दे रही होती है कि उसी वक्त उसकी पार्टी में मौजूद एक गेस्ट जिसका नाम लियोनार्ड होता है वो खांसने लगता है और उसी वक्त उसके मुंह से खून निकलने लगता है और ये उनकी सिटी में वायरस का पहला केस था। फिर जब पेमिला अपने हस्बैंड के साथ लंच कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड कैथरीन और उसके हस्बैंड रॉबर्ट ने एक नया घर लिया है और ये कोई सिंपल सा घर नहीं था बल्कि एक अंडरग्राउंड बंकर था और ये जानकर पेमिला इस पर हंसने लगती है। उसके बाद पेमिला जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उनके शहर में हाई अलर्ट हो गया है और सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 2 साल पहले हमारे साथ हुआ था। पेमिला देखती है कि सभी लोगों के साथ साथ बच्चों और उनके पेट्स ने भी मास्क लगा रखे हैं और वायरस से लोगों की ऐसी हालत देखकर पेमिला घबरा जाती है। फिर जब वो अपने घर पर होती है तो वो कहती है कि उन्हें इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेनी चाहिए। इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। ये सुनकर पेमिला कहती है कि क्या प्रेसिडेंट के लिए भी वैक्सीन नहीं है और उसी वक्त वो दोनों न्यूज़ में देखते हैं कि इस वायरस की वजह से प्रेसिडेंट की भी डेथ हो चुकी है और ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वक्त बीतता है और एक सुबह पेमिला देखती है कि बेंजामिन उसके साथ नहीं है और जब वो उसे देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि बेंजामिन ने खुद को एक रूम में बंद कर रखा था। पेमिला के पूछने पर बेंजामिन बताता है कि वो भी उस वायरस के चपेट में आ गया है और वो पेमिला को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है ताकि वो भी कहीं वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए, लेकिन पेमिला बेंजामिन को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती। इस पर बेंजामिन उसे जाने के लिए मजबूर करता है और पेमिला दुखी होती हुई वहाँ से निकल जाती है। पेमिला अपनी फ्रेंड कैथरीन के घर पर जाती है तो वो देखती है कि कैथरीन अपने बिस्तर पर है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही और ये देखकर पेमिला उसकी मौत पर दुखी होती है और वो उसके नए घर की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर पेमिला अपने डॉग जेरेमी के साथ कैथरीन के उस अंडरग्राउंड बंकर वाले घर पर आ जाती है और अंदर से उस घर को देखकर पेमिला के साथ मैं भी काफ़ी इम्प्रेस होता हूँ। काफ़ी अच्छी तरह से बने इस घर में सभी तरह की सुविधाएं होती है और कई सालों तक खाने के लिए खाना होता है और उसके अलावा उस घर में एक सर्विलेंस ड्रोन भी होता है जिसके हेल्प से हम उस घर के अंदर बैठे बैठे ही बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। और फिर पेमिला लगभग 3 सालों तक उसी बंकर में अपने डॉग के साथ रहती है और इसी बीच एक दिन जब वो अपने डॉग को बंकर से बाहर घुमाने ले जाती है तभी उसका डॉग वहाँ से भाग जाता है और पेमिला फिर अकेली उस बंकर में रह जाती है। फिर एक दिन पेमिला जब वो ड्रोन चला रही होती है तो वो ड्रोन मलिबू तक पहुँच जाता है और पेमिला वहाँ पर गेल को गार्डन में बैठी हुई देखती है। इतने सालों बाद किसी जिंदा इंसान को देख कर पेमिला काफ़ी खुश होती है और वो गेल से बात करना चाहती है, लेकिन उस ड्रोन की मदद से वो सिर्फ उन्हें देख सकती है, उनसे बात नहीं कर सकती। और तभी उस ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो ड्रोन फिर से बंकर पर आ जाता है। फिर पेमिला उस ड्रोन को चार्ज करके एक बार फिर मलिबू की तरफ जाती है और इस बार वो टॉड, एरिका, गेल और केरल को हाथ में साइन बोर्ड लिए हुए देखती है कि तभी अचानक ड्रोन का सिग्नल चला जाता है और वो सिग्नल कैसे गया था ये तो हम सभी जानते हैं। फिर पेमिला उन सभी जिंदा लोगों के पास जाने का फैसला करती है और वो उस बंकर से बाहर निकलती है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Thank you for watching.